गुजरात में विधानसभा चूंटणी पड़घम वागी रह्या छे। तमाम राजकीय पक्षों हवे मतदाताओं ने रिझवा मैदान में उतरिया छे। लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान गुजरात बे दिवसीय प्रवास माटे आव्या छे। सूरत में कार्यक्रम में हाजरी आपता पहला चिराग पासवाने भरूच खाते टूकू रोकाण कर्यु हतु, ज्यां तेमणे गुजरात विधानसभा चूंटणी अंगे मोटू निवेदन आप्यु हतु। चिराग पासवाने जणाव्यु हतु कि आगामी विधानसभा चूंटणी में लोकशक्ति पार्टीए निर्णय कर्यो छे कि गुजरात में योजनारी विधानसभा चूंटणी में पार्टी तमाम बैठकों पर पोताना उम्मेदवारोने उतारशे अने अमे अमारा नेता रामविलास पासवानना विचारोने जनतानी वच्चे लई जवाना प्रयत्नो करे। गुजरात में आने वाले दिनों में जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसकी अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता, लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी का विशेष लगाव हमेशा गुजरात और गुजरात के लोगों के साथ रहा है। उन्होंने हमेशा गुजरात के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का उन्होंने काम किया। दुख सुख की घड़ी में हमेशा वो गुजरात और गुजरातियों के साथ वो खड़े रहे। आज जब विधानसभा के चुनाव गुजरात में होने जा रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि इस विधानसभा के चुनाव में पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे।